काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो कोई भी काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। सो हेलो टॉपर्स, हाउस यू डूइंग, दिस इज मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, आज ये की जो क्लास है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली हम लोग फिजिक्स का क्लास 9th का बेसिक्स में सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं। वैसे मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है, देखो मेरा मकसद है कि मैं 9th 10th में फाउंडेशन बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग करूं, साइंस और मैथ्स में स्पेशली, कि बच्चों को आगे 11th 12th में दिक्कत ना है। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी ये जैसे आज की क्लास है, तो देखो ICSE और CBSE के लिए जनरली अलग अलग मेरी क्लासेस रहेंगी। आई नो मेजोरिटी बच्चे CBSE के होते हैं, बट बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ICSE के होते हैं, जिनको ऑनलाइन में अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, कई बार ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि दोनों की अलग अलग वीडियो बनाऊँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, कर रहा हूँ क्लास 9th का, मोशन। तो CBSE में ये चैप्टर का नाम मोशन है, और ICSE में भी ये चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो यार ये जो वीडियो है ये कॉमन है, आप दोनों देख सकते हो, जहां आगे ज़रूरत पड़ेगी वहां मैं वीडियोस अलग अलग बनाऊंगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि फिजिक्स में अभी इस चैप्टर में दिक्कत आने वाली, और CBSE वाले बच्चे भी कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, एक्स्ट्रा जानेंगे, तो उन्हें भी बहुत उस बात की खुशी होगी। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, प्रॉपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार नोट्स बनाना है, और आपको आपकी बुक से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हो सकता है आप अलग अलग बुक प्रेफर कर रहे हो। ICSE में आप कंसाइज कर रहे हो, CBSE में आप NCERT करते हो, NCERT के साथ साथ और एस चांद और बाकी रेफरेंस भी आप लेते हो। तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। फिजिक्स में ना बच्चों को डाउट बहुत रहता है, मतलब डर लगता है, डर इसलिए लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर सब क्लियर है ना, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कोई भी किताब से पढ़ो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट होगा। इज इट क्लियर? तो बहुत सारी बातें हो गई स्टूडेंट्स फाइनली, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, है ना। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन जानने से पहले, ठीक है, कि मोशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं फिजिक्स के बारे में आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि ज़रूरी है, फिर हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट, सबसे आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज सबसे फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन है जो कोई भी पूछ देने से बच्चों को नहीं पता होता कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। आप लोगों ने, आप चलो मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी बताऊंगा और एग्जांपल भी बताऊंगा। तो पहले तो बात तो ये सुन लो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली या बाई ऑब्जर्वेशन, जिसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी के बिना अधूरी है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज में एक एग्जांपल बताता हूँ, मास। आप लोगों ने नाम सुना होगा मास। मास का जैसे अगर मेरे को एक इसका वेट बताना है, वेट नहीं, मास बताना है, मान लो इसका मास है 5 kg, ठीक है। तो 5 kg इसको मेजर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो 10 kg आ जाएगा, 15 kg आ जाएगा, 20 kg आ जाएगा। इज इट क्लियर? किलोग्राम। टाइम, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी आप मेजर कर सकते हो कि भाई अभी कितना टाइम हो गया, 10 सेकेंड हो गया, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक अभी तक 2 मिनट हो गए होंगे, तो 2 मिनट मेजर कर पा रहे हो। इज इट क्लियर? वैसे लेंथ, लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है, मुझे लग रहा है 2 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, तो लेंथ, ये इसकी लंबाई क्या है, तो ये लेंथ हो गया, तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो पूरी फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ही आपको पढ़नी होती है। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये 5 फिजिकल क्वांटिटी हमको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। टाइम क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज का मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, द क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, एकदम 9th लेवल की डेफिनेशन बता रहा हूँ, 11th में जाओगे तो थोड़ा डेफिनेशन बदल जाती है, एडवांस हो जाती है। द क्वांटिटी विच, ओके, द क्वांटिटी विच वी कैन
measure are called physical quantity. प्लूरल में बोलते हैं क्वांटिटीज, है ना। एग्जाम्पल बता देता हूँ तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मतलब मैं तो इनफैक्ट अभी थोड़ी देर बाद फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई भी करूँगा, बट उससे पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अभी भी मैंने एग्जाम्पल बताया मास, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वैसे ही और लेंथ, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है बताया मैंने, और एक टाइम का मैंने एग्जाम्पल दिया था टाइम, तो एटसेट्रा बहुत सारी होती है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज़, जैसा मैंने बताया दैट द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर वेरी मच, सो देर इज़ ए नीड टू क्लासीफाई फिजिकल क्वांटिटीज़। सो दैट मीन्स टाइप्स, और यू कैन से क्लासीफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इसको जनरली दो कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आप लोगों का ये डाउट आप क्लियर कर दूंगा। एक होती है, इनको बोलते हैं स्केलर, आगे वही लगेगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्केलर और वेक्टर। स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर नंबर, आप लोगों ने ये चैप्टर आप लोगों के स्कूल में शुरू भी हो गया होगा पढ़ने, अभी या हो सकता है कि बच्चे अभी अभी देखना शुरू किए हैं या सेशन के शुरू में ही देख रहे हो, तो ये टर्म आप लोगों ने शायद सुना हो या ना भी सुना हो, स्केलर वेक्टर। कई बार ऐसा होता है बच्चों को ना 11th में भी इसका मतलब नहीं पता होता, क्यों, क्योंकि बेस में कभी ध्यान नहीं दिया, 9th-10th में कभी पढ़ाई नहीं की अच्छे से। देखो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज पहले डिस्कस करते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, चलो ये भी अभी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, दो मिनट रुको। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, मैग्नीट्यूड तो होगा साथ साथ में इसके पास में होता है प्लस डायरेक्शन, या प्लस की जगह एंड लिखो, एंड डायरेक्शन, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल बताने से पहले थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का खेल समझते हैं, इज इट क्लियर, देखना अच्छे से समझना। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड वर्ड हम बहुत बार यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो समझते होंगे सब लोग, 1, 2, 3, 4, हाफ, माइनस हाफ, जो भी है, प्लस यूनिट। यूनिट भी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए यूनिट में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पे, मैग्नीट्यूड है 5 kg, या ये ऐसे लिखूं कि एक मास, एक फिजिकल क्वांटिटी, इसकी वैल्यू आ रही है 5 kg, इज इट क्लियर। तो ये है मैग्नीट्यूड पूरा का पूरा। मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो आप 5 देख रहे हो, ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो केजी आप देख रहे हो ये है यूनिट। आप लोगों ने यूनिट तो पढ़ी होंगी बचपन में, है ना, केजी हो गया, सेकंड हो गया, मीटर हो गया, है ना, डिग्री सेल्सियस हो गया, या मीटर पर सेकंड हो गया, ये सारे के सारे यूनिट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, समझना क्या है, देखो स्केलर का मतलब हो गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का सेंस देती है, जो डायरेक्शन नहीं बताती। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसका जो मास है वो 5 kg है, तो 5 kg है, तो क्या इससे कोई आपको डायरेक्शन का कुछ पता चलता है कि किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, 5 kg मतलब 5 kg। अगर मैं बोलूं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टाइम, टाइम में बोलूं अभी कि टाइम
इतनी देर में टाइम 10 सेकंड हो गया, ठीक है, या अभी मैं बोल दूं कि अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं मान लो, तो ये जो टाइम बताता है हमको, जो भी टाइम होता है, ये क्या डायरेक्शन बताता है, क्या इससे पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्या है? कुछ डायरेक्शन का सेंस कभी पता चलता है? नहीं पता चलता ना, बिल्कुल नहीं पता चलता। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी का भी डायरेक्शन का पता नहीं चलता। टेम्परेचर, ये भी स्केलर है, इसमें भी कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। दैट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इजी से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी आगे और पढ़ेंगे। मास, टाइम, ठीक है, अभी डिस्टेंस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अभी आगे पढ़ेंगे। डिस्टेंस का मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे दोस्त का कॉल आया मान लो, ठीक है, और वो मान लो मैं कहीं घूमने गया हुआ हूँ, पूछ रहा है कहाँ है भाई, मैं बोलूँगा कि भाई मैं घूमने गया हुआ हूँ, ठीक है, तो वो पूछेगा कि कितनी दूर गया है, मैं बोलूँगा भाई 30 किलोमीटर गया हूँ। तो 30 किलोमीटर बस बोलूँ अगर मैं, तो मतलब मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ उसको, तो क्या इसमें कहीं डायरेक्शन का कोई सेंस बताया मैंने कि मैं 30 किलोमीटर किधर गया हूँ? क्या मैं 30 किलोमीटर नेपाल साइड गया हूँ, या मैं 30 किलोमीटर मुंबई साइड गया हूँ, या मैं केरला साइड गया हूँ, या मैं वेस्ट बंगाल साइड गया हूँ, कहाँ गया हूँ? कोई लोकेशन बताया मैंने? नहीं बताया ना। तो जब डिस्टेंस होता है वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताता है। यही चीज अगर मैं डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी बता दूं कि आई हैव गॉन 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, आई हैव गॉन 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो अगर मैं ऐसा बता दूं स्टूडेंट, तो फिर वहां डायरेक्शन आ जाता है, और जहां डायरेक्शन आ जाता है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स में क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो जो 5 न्यूटन लगाया वो किधर लगाया वो बताता है, बताना पड़ता है कि भाई आपने 5 न्यूटन इधर लगाया, तो जो फोर्स है वो डायरेक्शन का के बारे में भी बताता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, बहुत फेमस आपका फोर्स है, वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। इज इट क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे हैं जिनको वेक्टर का मतलब नहीं पता होता। अब वेक्टर जो होते हैं उनको स्केलर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे ये फोर्स है तो इसको, ये वेक्टर है, ये पता कैसे चलेगा? इसके ऊपर में हम एक एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एरो। ये जो एक एरो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में जो एक एरो लगा होता है, ये बता देता है कि भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? ये चीज़ का ध्यान रखना, जब आप 11th में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। समझ में आ रही है बात? तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। आप लोग ये जितना भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इसके बाद में ना आप लोग बुक रीडिंग जरूर करना, वहाँ आपको और एग्जांपल्स मिलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, दो टॉपिक हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक। अब आ जाओ भैया अब चैप्टर में। अब आपको पता चल गया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। नाउ अब यहां से आपकी फिजिक्स शुरू होगी, दैट इज रेस्ट। थर्ड टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। तो चैप्टर का नाम भी मोशन है, तो रेस्ट एंड मोशन। स्टूडेंट्स रेस्ट जब मैंने लिख दिया तो आप लोग समझ गए होंगे रेस्ट का मतलब क्या होता है। रेस्ट मतलब कि वो सोने वाला रेस्ट नहीं बात चल रही है यहाँ पे, रेस्ट का मतलब कोई भी चीज़ एक ही जगह में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। मोशन का मतलब कोई भी चीज़ मूव कर रही है ना। तो अगर मैं खड़ा हूँ ऐसे, यस, तो स्टूडेंट्स क्या मैं रेस्ट में हूँ? बिल्कुल। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब रेस्ट पे ही होती है, अपने आप थोड़ी चलती है। और अगर मैं मान लो मूव करने लग गया इस टाइप से, तो क्या आप बोल सकते हो कि मैं मोशन में हूँ? मोशन में। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? समझ तो जाते हैं हम लोग कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। देखो डेफिनेशन समझना, थोड़े टेक्निकल वर्ड यूज करता हूँ। रेस्ट मतलब अब मैं रेस्ट में हूँ, तो इसका मतलब देखो स्टूडेंट, जो मेरी पोजिशन थी क्या वही समय के साथ मेरी पोजिशन वैसी की वैसी है? अभी अगर मान लो कुछ 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 बजे मैं अगर यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ, तो अगर 1 मिनट बाद भी मैं यहीं खड़ा मिलूँ, तो समय जा रहा है लेकिन पोजीशन मेरी वही की वही है।
तो अगर सेम पोजीशन रहती है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, और अगर मेरी पोजीशन चेंज हो गई तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं मोशन में आ गया। तो यही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन में लिख लो, पहले रेस्ट की डेफिनेशन लिखना, ठीक है? यस, अभी थोड़ा सा और डीप में थोड़ा बात करेंगे। अ बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजिशन, इफ इट डज नॉट चेंज इन पोजिशन, इफ इट डज नॉट चेंज इन पोजिशन, मतलब उसकी पोजिशन चेंज नहीं होगी विथ रेस्पेक्ट, इट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टू इट्स सराउंडिंग, तो सराउंडिंग के साथ में उसकी पोजिशन चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? मोशन के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोशन के लिए क्या आप अपने खुद से लिखोगे? अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अ बॉडी सेड टू इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इमीजिएट सराउंडिंग, तो यहाँ डज नॉट की जगह चेंज बस आ जाएगा। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ होमवर्क है बेटा। मैं देखो होमवर्क बहुत देता हूँ, मेरा एक उसूल है, मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि सिखाना ज़रूरी है। अभी आप छोटे हो, अभी बहुत कुछ सीखना है जीवन में आपको, आप बड़े हो गए, बट मैं अभी से ही सिखाना शुरू करूँगा। मैं हर चीज़ ना परोस के नहीं दूंगा, मैं खाना बनाना सिखाऊंगा। जैसे आपको अगर होगा, आपको खाना बनाते कैसे वो पूरा सिखाऊंगा, लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं कि आपको परोस परोस के हर बार खाना देते जा रहा हूँ, नहीं। जब मुझे लगे कि हाँ जो चीज़ बना सकते हो आप खाना खुद से भी, तो वहाँ मैं खुद बोलूँगा कि आप खाना बनाओ और खुद खाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेल्फ डिपेंड होना है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान रखना। लिख लोगे इसकी डेफिनेशन। अब थोड़ा मैं डीप यहाँ पे बात करूँगा, ये मान के चलो यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। स्टूडेंट्स पहली बात तो मैं ये बोल दूँ कि इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। एब्सोल्यूट मतलब कि फिक्स, जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं रेस्ट में हूँ, तो बेटा यहाँ पे देखना पड़ता है कि अगर मान लो आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए तो मैं रेस्ट में हूँ, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई मेरा एक दोस्त है, एलियन दोस्त है, और वो कोई दूसरे प्लेनेट में बैठा है, वो अगर मुझे देख रहा होगा अभी करेंटली, तो यार अर्थ तो मूव कर रहा है तो मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं मोशन में आ जाऊँगा ना। तो दैट मीन्स ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर? इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने ट्रेन में देखा होगा, ये ट्रेन चलती है, ठीक है, ये ट्रेन है आपकी, है ना। तो यहाँ पे मान लो ये एक बंदा बैठा है, और इसके आजू में बाजू में दो दूसरा बंदा बैठा है, और यहाँ एक तीसरा बंदा खड़ा है, और ये ट्रेन इधर भाग रही है। तो स्टूडेंट्स इस बंदे की अगर बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में, भाई उसको तो ये रेस्ट में बैठा हुआ ही दिखेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है ये मोशन में दिखेगा, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहा है एक तरह से। तो दैट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आप किस फ्रेम में बात कर रहे हो। अगर आप इसके फ्रेम में बात करोगे तो ये रेस्ट में है, अगर आप इस बंदे के बात में जो ग्राउंड बाहर खड़ा हुआ है उसके बंदे उसके रेस्पेक्ट में आप इसके अगर बात करोगे तो ये मोशन में रहेगा, क्योंकि वो ट्रेन चल रही है, मतलब वो भी चल रहा है एक तरह से। इज इट क्लियर? उसको भी चलना हम कंसिडर करेंगे, क्या मेरी बात क्लियर है? तो स्टैटिक और रेस्ट, जो जो रेस्ट और मोशन है, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब कि रिलेट करके बताया जाता है कि भाई किसके रेस्पेक्ट में वो, क्या वो रेस्ट में है या वो मोशन में। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, थोड़ी सी डीप है, बट आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस यहीं पे ही थोड़ा सा लिखूंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ मोशन में बात करने वाला हूँ कि मोशन कितने डायमेंशन में हो सकता है। कितने डायमेंशन का मतलब, क्या मोशन वन डायमेंशन में है, जैसे कि ICSE वाले चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये डायमेंशन क्या होता है ये समझते हैं स्टूडेंट्स। ये मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके में समझा दूंगा, इसमें लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशन,
इन थ्री डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि स्टूडेंट समझना, अगर किसी का मोशन जब हो रहा है और उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक ही यानी कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, पढ़ा होगा मैथ्स में आप लोगों ने, तो यानी कि वो एक लाइन में ही मूव कर रहा है। वन डायमेंशन मतलब वन लाइन, एक लाइन में मूव कर रहा है। मान लो एक बॉडी है, यहाँ पे था, यहाँ से ये चल रहा है ट्रेन टाइप में, अब यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसका एक ही कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बस चेंज हो रहा है, ना तो वाई में कोई मोशन हो रहा है, ना जेड में कोई मोशन हो रहा है, ना वाई एक्सिस में मूव हो रहा है, ना जेड एक्सिस में कोई चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो मोशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन। जो आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें रोड रहती है, तो रोड एक ही रोड रहती है, उसमें आप सीधे जाओगे या पीछे, या आगे जाओगे पीछे आओगे, इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो आप आगे जाओगे या फिर आप पीछे आओगे। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन। तो अभी आप नाइन्थ क्लास में स्टूडेंट, तो आपको सिर्फ पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन। दैट मीन्स आप जो भी पढ़ोगे उसमें या तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा होगा या पीछे जा रहा होगा, इस टाइप का ही बस स्टडी करना है। अब समझने के लिए डिफरेंस क्या होता है, तो टू डायमेंशन समझो। टू डायमेंशन ना, आपके ये जो व्हाइट बोर्ड है ये टू डायमेंशन है, इसका एक एक्सिस ये है एक्स एक्सिस और एक वाई है। तो अगर मैं कोई बॉल को ऐसे फेंकूं, तो स्टूडेंट्स जब ये बॉल ऐसे जाएगी मान लो ऐसे, तो एट दैट सेम टाइम ये बॉल आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। तो किसी भी इंस्टेंट में अगर दो कोऑर्डिनेट्स में, दैट इज या तो एक्स या वाई, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स में, दो एक्सिस में अगर उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, टू डायमेंशन। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस टाइप से, इज इट क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे चींटी जो होती है, चींटी सिर्फ एक रास्ते में चलती है, तो वो हो गया मोशन इन वन डायमेंशन। सांप जो होता है, सांप ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है मतलब वो आगे भी चल रहा है और वो ऐसे आजू बाजू ऐसे भी चल रहा है, वाई एक्सिस में भी चल रहा है। तो जो मोशन ऑफ स्नेक होता है वो टू डायमेंशन हो गया। और थ्री डायमेंशन मतलब स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस मतलब कि जैसे बी है, कोई भी है, फ्लाई है, वो उड़ रही है, वो कहीं भी उड़ सकती है, वो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है और जेड में भी जा रही है, तो कहीं भी जा सकते हैं, तो उसके कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। इज इट क्लियर, आई बात समझ में? तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो आई होप आप लोगों को डायमेंशन का मतलब समझ में आया होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डायमेंशन को लेकर। डायमेंशन का मतलब एक्सिस, वन डायमेंशन मतलब या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। टू डायमेंशन मतलब कि टू एक्सिस, एक्स और वाई दोनों, आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा, जो भी। थ्री डायमेंशन मतलब कहीं भी एक्स वाई, एक्स वाई और ये जेड, देखियो ना कहीं भी कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो आज मेरे हिसाब से आप लोगों का इंटरेस्ट तो आया होगा फिजिक्स में कि हाँ यार मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है फिजिक्स, सच में बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब अगर समझ के करोगे एकदम मजे लेके करोगे, मैथ्स अगर बेसिक सब की स्ट्रांग है तो फिजिक्स में आपको सच में प्यार हो जाएगा, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि मैं फिजिक्स बहुत जितना हो सके ईजी करके पढ़ाऊँ। देखो स्टूडेंट जी, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, यार मेरा पर्पज़ है आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। आपको बुक रीडिंग एक बार ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत से एग्जांपल ऐसे होंगे जो आपको पढ़ोगे रीडिंग करोगे तब समझ में आएगा, तो मज़ा भी आएगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो जाएंगे जो शायद मैं क्लास में ना बताऊं, लेकिन जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अल्टीमेटली आपको सेल्फ डिपेंड भी बनना है, इज इट क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास फिर अपन आज इतना ही रखते हैं, और बाकी अगली क्लास में फिर नया इसके आगे का टॉपिक डिस्टेंस रिलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाट एवर यू लव टू डू। बाय, टेक केयर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जय महाकाल। ओके, बाय बाय।